नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने कमबैक को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर के पास इस समय एक साथ कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके जरिए वो दर्शकों के बीच एक बार फिर तहलका मचाते दिखाई देंगे। कुछ समय पहले ही शाहरुख खान ने फिल्म पठान की शूटिंग काफी हद तक पूरी कर ली है। इस फिल्म का टीजर भी शाहरुख खान ने फैंस के बीच जारी किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण अहम भूमिका में दिखाई देंगे। पठान के अलावा शाहरुख खान के पास जवान और डंकी जैसे फिल्में हैं। बीते कई दिनों से सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान को डॉन 3 भी ऑफर हुई थी। फिल्म को लेकर आए नए अपडेट ने सभी फैंस को चौंका दिया है। इस समय बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों को लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने रक्षाबंधन के खास मौके पर रिलीज हुई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर ऊंधे मुंह गिरी थी। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि लगातार बॉयकॉट ट्रेंड को देखने के बाद शाहरुख ने डॉन 3 से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो फिलहाल का माहौल को देखते हुए शाहरुख ने फिल्म को करने से मना कर दिया है। इससे पहले आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि शाहरुख खान डॉन 3 को करने के लिए बेहद एक्साइटेड है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर फरहान अख्तर काफी समय से काम कर रहे थे। शाहरुख खान को लगता है कि डॉन एक आइकॉनिक किरदार है और इसे दोबारा निभाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। करंट सिनेरियो इंडस्ट्री के सही नहीं है, इसलिए वो उन्हीं फिल्मों पर काम कर रहे हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है। बता दें कि इस साल कई बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है, लेकिन जिस फिल्म का हाल सबसे बुरा हुआ था वो है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का लोगों ने ट्विटर पर किस कदर विरोध किया कि लोग थिएटर्स तक नहीं गए और 180 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 60 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई। क्रिटिक्स और दर्शकों से नकारे जाने के बाद तो इस फिल्म का हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया है, लिहाजा फिल्म के शोज तक हटाने पर गए। आमिर खान इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जो अपने फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड सेट करते थे, लेकिन लाल सिंह चड्ढा का विरोध के चलते उनका बुरा हाल हुआ है। आमिर के पुराने बयानों ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है और लाल सिंह चड्ढा का इतना बुरा अंजाम हुआ है। अब आमिर की हालत देख शाहरुख खान भी डर गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ट्विटर पर पठान के बॉयकॉट की भी मांग उठी थी। लोगों ने लाल सिंह चड्ढा की पठान का भी विरोध करने की धमकी दी थी। ऐसे में अब शाहरुख डर गए, इसलिए उन्होंने डॉन 3 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि डॉन की पिछली दोनों रिलीज बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। साल 2006 में आई डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस किया था। वही साल 2011 में आई डॉन 2 ने भी 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। इसी को देखते हुए इसके तीसरे पार्ट को लाने की तैयारी की थी, लेकिन अब हिंदुओं के डर से शाहरुख ने इस बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है। बताते चले कि शाहरुख खान अगले साल की शुरुआत में पठान लेकर आएंगे, उसके बाद 2023 के मिड में वो जवान में दिखेंगे, वही साल के लास्ट में वो डंकी नाम की फिल्म में काम करेंगे। ऐसे में शाहरुख फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वो अब किसी भी तरह की गलती करने से बच रहे हैं ताकि वो बॉयकॉट से बच सके। लेकिन जिस तरह से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से लोगों ने आमिर को सबक सिखाया है, उसी तरह से शाहरुख के बैंड बजाने वाले हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।